नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और चलिए आज हम आपको बताते हैं कि किस तरह आप किसी की भी मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल पर कैसे सुन सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही टेक्निकल वीडियो मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं जिस ऐप की बात कर रहा हूँ, उस ऐप का नाम है कॉल मतलब हिडन कॉल रिकॉर्डर, ये वाला ऐप है, ये वाला। ओके, तो ये प्ले स्टोर पर नहीं है, इसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी फ़ीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको ऐसा ही खुलेगा इंस्टॉल करने के बाद, ठीक है। तो मैं आपको इसे इंस्टॉल करके बता देता हूँ। ओके, तो जैसे मैं इसे अभी इंस्टॉल कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ एक लिंक दूंगा, तो आपको यहाँ पर वो लिंक पेस्ट करनी है। ओके, अपने मतलब इंटरनेट पे या जिस पे भी आप मतलब करना चाहें, तो वहाँ से इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद जैसे आपकी इस मेमोरी में होगी, वो जैसे मेरी मेमोरी में ये आ चुकी है, तो ये यहाँ से हम इसे इंस्टॉल करते हैं। ओके, यहाँ से हम इसे इंस्टॉल करते हैं, जब मेमोरी में वो आ जाएगी। मैं इसकी लिंक आपको दे दूँगा जहाँ से आप इसे इंस्टॉल कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर ये आता है, तो यहाँ पर हमें इस पर क्लिक करना, ओके पर क्लिक नहीं करना, यहाँ पर करना है इंस्टॉल एनीवे। ये थोड़ी क्या है कि अब स्काइप पे यूज होती है तो अनसेफ मानी जाती है, इसलिए इसका यूज मतलब प्ले स्टोर पर नहीं है, प्ले स्टोर पर ये उपलब्ध अब नहीं है, पहले थी। ओके, तो अब ये इंस्टॉल हो रही है, थोड़ा इसमें समय लगेगा। इंस्टॉल होने के बाद हम बताएंगे कि आप किस तरह किसी के भी फ़ोन की कॉल रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकते हैं। तो ओके, ये इंस्टॉल हो चुकी है, हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हमें यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक रिजेक्ट और एक एक्सेप्ट। तो यहाँ पर हमें एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमें अपनी ईमेल आईडी डालनी है, जिस पर हमें मतलब वो बैकअप चाहिए, मतलब कॉल रिकॉर्डिंग हमें जिस पर चाहिए। यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर डन पर क्लिक करते हैं। ओके, तो यहाँ पर इस सेटिंग से कुछ कि आप यहाँ पर आइकन को मतलब वो करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर इसको कर दूँगा। ये आपको कोड याद रखना है, कोड इसलिए याद रखना है कि अगर आपने इस आइकन को हाइड कर दिया, मतलब वो ऐप फिर दिखेगा नहीं वहाँ पे। फिर आपको हमें बता देता हूँ इसका क्या है। जैसे मेरी कोड है 123456 की कोड है, इस पर ईमेल आएगा मेरे पे, मतलब कॉल रिकॉर्डिंग आएगी। ओके, तो यहाँ पर हम इस हाइड पर क्लिक कर देते हैं। हाइड पर ये होगा कि अब यहाँ पर आपको वो एप्लीकेशन थोड़ी देर बाद ये हट जाएगी, मतलब दिखेगी नहीं। ओके, ये हट गई, तो यहाँ पर अब ये दिखेगी नहीं। अब इसको देखने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर अपनी फ़ोन कॉल्स में जाना होगा, डायलर में, और यहाँ पर हमें 123456 डालना होगा। ओके, किसी भी सिम से आप कर सकते हैं। तो अभी वो सेटिंग आ जाएगी, ये आ गई। ओके, तो अब ये दिखने लगेगा। ओके, मैं यहाँ पर जैसे आपको वो देखना है उसकी सेटिंग बदलनी है, तो यहाँ पर ये डाल के आप कर सकते हैं, तो इससे वो दिखने लगेगा। ओके, ये यहाँ पर अब दिखने लगेगा, थोड़ी देर बाद यहाँ पर वो दिखने लगेगा। ओके, तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो ये दिखने लगा। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको ऐसी टेक्निकल वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।